हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे हो। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ और माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू मै सम रीज़न मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग बना के नहीं डाल रही थी। और अभी आज फ़िलहाल मैं व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के बीच, और समय हो रहा है शाम के 5। तो शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के बीच एक क्यों ना एक व्लॉग लेके आऊँ। तो व्लॉग लाने से शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सिर्फ मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस देखने को मिले, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए, और व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी व्लॉग को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपके साथ भी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है? मेरे साथ होती है, सभी के साथ होती है वैसे तो, लेकिन आज कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो वो उसकी मुझे खुशी भी है, जो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती है वो आपको तकलीफ भी देती है, उससे आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो काफ़ी अच्छा था। वो क्या था? और आज का जो तो आज का जो ये मतलब व्लॉग है वो किस पे है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, इसलिए व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो चलिए गाइज, आज का जो व्लॉग है वो शुरुआत कर देते हैं। और आपको पता है, ये आंचल को भी नहीं पता है, तो क्या नहीं पता है मैं आपको दिखा लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक पार्सल मंगाया था, यहाँ पे देखो इसमें क्या मंगाया है, ये आंचल को भी पता नहीं है। आंचल को भी अभी पता लगेगा, आपके साथ साथ ही पता लगेगा। और मज़े की बात ये है, तो मेरे साथ जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ हुई है वो क्या हुई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, व्लॉग को, आपको मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग। अनएक्सपेक्टेड चीज़ कुछ ये हुई, जो मेरा ये पार्सल है, ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और मुझे काफ़ी पसंद था और मैंने मंगाया, लेकिन जब ये पार्सल आया तो मेरे पास ना कुछ इशू आ रहा था, किसी चीज़ को लेकर, पेमेंट को लेकर इशू आ रहा था। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पार्सल एक्चुअली मतलब ये जो चीज़ है वो भैया ने गिफ्ट करी है। गिफ्ट कैसे बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इसकी पेमेंट भैया ने करी है। तो भाई तो अगर टॉफ़ी भी दे वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भैया ने इतना एक्सपेंसिव चीज़ मेरे को दी होगी। मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा महंगी कोई मैंने चीज़ मंगाई है, लेकिन ये भैया की तरफ से थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जैसे ही भैया को बोला कि भैया क्या आप ये पेमेंट कर दोगे, तो भैया ने एकदम से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, कुछ भी नहीं बोला। तो ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। भैया कभी कभी ऐसी चीज़ें करता और मेरे लिए शॉकिंग होती है, और मैं खुश भी बहुत हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई पार्सल अपनी मर्जी से मंगाया और उसका पेमेंट भैया ने किया है। तो मैंने पार्सल क्या मंगाया है वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने ही ओपन कर लेती हूँ। तो होप सो गाइज आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो आंचल को भी नहीं पता है, आंचल भी यहीं साथ में बैठी है, तो इसको ओपन करते हैं, ये क्या है फिर आप भी देखिएगा। अभी तो आंचल को भी पता नहीं है, ये सोच रही है कि क्या मंगाया है दीदी ने। तो मैंने जो मंगाया था, मैंने एक हैंड पर्स मंगाया था, जो कि मैंने देखा था। और मैंने ये मैं ना आप लोगों के सामने इसलिए ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना ये इंस्टाग्राम से मंगाया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें होती है उसमें सही चीज़ें नहीं आती है, समटाइम सही आती है, समटाइम ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ इशू आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का पर्स, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था, तो मैंने ये मंगवा दिया था। पहले मैं मीशो से मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ से मैंने नहीं मंगवाया। तो ये देखो मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ, और ये बहुत, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइज, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। अभी इसमें ना ऐसे डालने के लिए भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अंदर से मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। तो इस पे ये पट्टी भी है, और ये देखो ये तो कागज़ निकल रहे हैं ना इससे, ये देखो जो इसमें भरे पड़े रहते हैं, ये देखो इतने प्लास्टिक मिल गए ना, आप सोच नहीं सकते मुझे अभी कितने प्लास्टिक मिले हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी यहाँ पे कि कितने ज़्यादा प्लास्टिक इसमें भरे थे। बट ये देखो ये कुछ इस तरह का है, दोनों साइड है ये, और
मतलब मजे की बात है ये कि मुझे ना ये पर्स चाहिए था, काफी टाइम से मैं मंगा रही थी। अब मैं इसको ना ऐसे हाथ में भी कैरी कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो इसको, मतलब मैं ऐसे पर्स एज ए पर्स टाइप भी डाल सकती हूँ। तो मैं वो आपको वो भी लगा के दिखाती हूँ अभी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा? अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी, मैं इसका लिंक भी आपको हाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये देखो, ये ना इस तरह से ऐसे भी बनता है गाइस। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखो ये कलर इसका बहुत प्यारा है, और मतलब ऐसे लग रहा है कि क्लासी सा कुछ लग रहा है मुझे तो। इस तरह से इसको देख के वाइब आ रही है कि कुछ अच्छा क्लासी सा लग रहा है ब्लैक कलर का पर्स। तो क्योंकि मेरा पर्स बिल्कुल फट गया था, हालांकि मुझे बड़ा पर्स मंगवाना चाहिए अब, तो मैंने सोचा ठीक है बड़ा पर्स क्या करना, अभी मैं ये हैंड पर्स ही मंगा देती हूँ। तो जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जो इसके साथ प्लास्टिक मिले हैं ना, जो प्लास्टिक की गंध है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आगे की चीज़ें, आगे जो भी है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो दिखाती हूँ, और अभी इसको ना खड़े होके मैं डालूंगी भी। ये आप देखो इतना मतलब प्लास्टिक आ गया ना मेरे पास, ये देखो ये। पर ये अच्छा हुआ हमारे को डस्टबिन में डालने के लिए, काफ़ी अच्छा ये आ गया गंद इतना सारा। अब इसको मैं फेंकूंगी नहीं। और ये देखो गाइस ना, आप लोगों ने किन बचपन में क्या इनको फाड़ते रहते थे, हम ना हम तो फाड़ते थे, अभी भी फाड़ते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं ये फाड़ने के लिए। अभी देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वाह ये इसको निकाल दे। ये देखो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ये देखो ये गन तो आपने देख ही लिया, इतना मतलब इतना ज़्यादा इसमें, तो ये आप देख सकते हैं इसमें आप सामान काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे हैं अंदर से, तो वैसे तो एक ही है पर इसमें अंदर से बीच में भी रखने के लिए जगह है। तो ये मेरे लिए इनफ है क्योंकि मेरे पास छोटा पर्स भी है। जो रुको ये देखो, तो इसमें छोटा सा पॉकेट भी है, आप उसको भी रख सकते हो। और काफ़ी चीज़ें इसमें आप रख सकते हो अपनी कैरी करके, जैसे आपकी क्रीम हो गई या कुछ और भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वैसे तो ये वैसे ना ब्लैक कलर मेरी बहन का फेवरेट है, लेकिन बट मुझे ना और कलर इसमें पसंद ही नहीं आ रहे थे, इस तो दैट्स वाई मैंने ये कलर मंगाया। तो अभी ना मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो, आप इसको इस तरह से कुछ इस तरह से इसको कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपने ऐसे कैरी नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो। ये तो थोड़ा सिस्टर ने छोटा करा था तो इसलिए आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो, और ये लॉन्ग भी रहता है, लॉन्ग भी होता है। तो मैं आपको बड़ा करके मतलब छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लुक ये दे रहा है, मुझे तो काफी अच्छा ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा, प्राइस भी ज्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, इतना है कुछ, इतना ज्यादा प्राइस का है नहीं है। तो अगर आप प्राइस जानना चाह रहे हो या अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूं। आपको इसकी मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ, तो शॉर्ट वीडियो भी मैं एक ही इसकी लेके आऊंगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी फिलहाल आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। ये देखो ये काफी क्लासी लग रहा है इस तरह से कुछ, अगर आपको इस तरह से ले जाना हो तो आप इस तरह से इसको ले जा सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं। तो होप सो गाइज आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच भैया के लिए, मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना 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 प्यारा गिफ्ट दे दिया। मतलब ये तो मेरी पसंद थी बट पैसे तो उन्होंने दिए तो उन्हीं की तरफ से गिफ्ट हुआ। तो थैंक यू भैया, आपको भी अगर आप मेरा व्लॉग देखोगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।